हिंदुइज्म की बात अगर हम करें तो ये एक हिंदुस्तान से निकलकर 133 कंट्रीज तक जा पहुंचे। बात वही आ गई ना, अगर आपका इकोनॉमी स्ट्रांग है, अब इंडिया है, अब वहाँ पे उसकी इकोनॉमी उठा के देंगे, उसकी एक्सपोर्ट्स आपके उठा के देख लें, हर इंडस्ट्री उनके आज यहाँ पे जा रही, नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है, उनकी प्रोग्रेस देखें ना। दोस्तों, सनातन धर्म इस दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत है, जो सदा के लिए है, जो सत्य है। जिन बातों का शाश्वत महत्व हो वही सनातन धर्म कहा गया है। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है, और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म है, जिनका ना प्रारंभ है और ना ही उसका अंत है। उस सत्य को ही सनातन कहते हैं और यही सनातन धर्म का सत्य है। लिखित इतिहास की माने तो ये धर्म लगभग 10,000 साल पुराना है, लेकिन अगर धार्मिक ग्रंथों के आधार पर देखा जाए तो इस सभ्यता की उत्पत्ति लगभग 1,00,000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। हिंदू धर्म का वास्तविक नाम सनातन धर्म ही है। ये बात सत्य है दोस्तों कि आज पूरी दुनिया में सनातन धर्म का डंका बज रहा है, पूरी दुनिया के लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं मॉरिशस की। आज हम बात करेंगे कि मॉरिशस में कौन कौन से धर्म है और हिंदू धर्म की स्थिति वहाँ पर क्या है, हिंदू धर्म को मानने वाले वहाँ कितने प्रतिशत लोग हैं। आज हम इसका विश्लेषण करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मॉरिशस में हिंदू धर्म मुख्य धर्म है, उसके बाद ईसाई धर्म है, इस्लाम है और बौद्ध धर्म है। मॉरिशस एकमात्र अफ्रीकी देश है जहां तीसरी सबसे ज्यादा हिंदू आबादी रहती है। मॉरिशस की लगभग 68% आबादी भारतीय मूल की है और हिंदी है, तेलुगु है, तमिल है, उर्दू है और भोजपुरी भी है। अधिकांश हिंदू उन मजदूरों के वंशज है जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान द्वीप पर गुलामी के उन्मूलन के बाद गन्ने के बागानों में काम करने के लिए मॉरिशस लाया गया था। यह मॉरिशस को तीसरी सबसे बड़ी हिंदू आबादी वाला एकमात्र अफ्रीकी राष्ट्र बनाता है, जिसमें भारत और नेपाल के बाद हिंदू धर्म प्रमुख धर्म है। इंडो मॉरिशस समुदाय का एक महत्वपूर्ण अनुपात खुद को दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु से जोड़ता है और इसलिए तमिल त्योहार द्वीप पर प्रचलित है। मॉरिशस में कई अलंकृत हिंदू मंदिरों का निर्माण भी किया गया है जो समुदाय के एकत्र होने और उत्सव मनाने के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। ग्रैंड बेसिन में गंगा तालाब को एक पवित्र झील माना जाता है जो भारत में गंगा नदी के मॉरिशस समकक्ष है, यानी गंगा के समान है। प्रमुख हिंदू त्योहार जैसे महाशिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, दीपावली और औगादी मॉरिशस में राष्ट्रीय अवकाश है। इसका मतलब है कि ये सारे त्योहार वहाँ बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। मॉरिशस का दूसरा सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है जो 1638 में मॉरिशस के उपनिवेशीकरण के बाद डचों के द्वारा द्वीप पर लाया गया था। 1715 में फ्रांसिसियो द्वारा मॉरिशस पर नियंत्रण करने के बाद उन्हें एक आदेश पारित किया गया कि आने वाले सभी दासों को कैथोलिक बस्मिकता लेना अनिवार्य है, यानी उन्हें क्रिश्चियन बनना अनिवार्य है। ईसाई धर्म को अंग्रेजों द्वारा द्वीप पर अपना शासन स्थापित करने के बाद और मजबूत किया गया। वर्तमान में सभी ईसाइयों में से लगभग 83% खुद को कैथोलिक के रूप में पहचानते हैं। ईसाई धर्म का सबसे बड़ा गुट कैथोलिक धर्म ईश्वर को पवित्र त्रिमूर्ति के रूप में पहचानता है जिसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा शामिल है। कैथोलिक मॉरिशस वासी पुरोहिताई और वेटिकन सिटी में पोप की पवित्रता का पालन करते हैं। पूरे द्वीप में चर्चों की पूजा पद्धति काफी भिन्न होती है और लैटिन, फ्रेंच और अंग्रेजी जैसी विभिन्न भाषाओं में सामूहिक प्रार्थनाएं मनाई जाती हैं। दोस्तों, मॉरिशस में अगर इस्लाम की बात की जाए तो मॉरिशस पहुंचने वाले गिरमिटिया मजदूर हिंदू धर्म की तरह ही इस्लाम भी लेकर पहुंचे थे। इन लोगों की उत्पत्ति भारत के गुजरात, पौंडीचेरी और बंगाल के क्षेत्रों में हुई थी। धनी भारतीय व्यापारियों ने मॉरिशस में अपना व्यापार स्थापित किया और द्वीप पर इस्लाम के प्रचार में भी काफी मदद की। एक कम ज्ञात तथ्य के बारे में जानते हैं। मुस्लिम अरब सबसे पहले मॉरिशस द्वीप की खोज करने वाले थे और उन्होंने इस द्वीप का नाम दीना आरोबी रखा था। मॉरिशस के अधिकांश मुसलमान खुद को सुन्नी संप्रदाय से जोड़ते हैं।
हिंदी के अच्छे जानकार होने के अलावा कई लोग उर्दू, गुजराती और भोजपुरी भी बोलते हैं। पूरे मुस्लिम समुदाय को 3 सामाजिक समूहों में विभाजित किया जा सकता है। एक है मेमन, जो मॉरिशस की सबसे प्रमुख मस्जिदों को नियंत्रित करते हैं। दूसरे हैं सूरते, जो अमीर गुजराती और कच्छ के व्यापारी हैं। और हिंदी कलकत्ता 1805 में बनी कैंप डेस लश्कर मस्जिद मॉरिशस की पहली मस्जिद थी, जो अब इसे अल अक्सा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। पोर्ट लुइस में जुमा मस्जिद 1850 के दशक में बनाई गई थी और यह मॉरिशस की वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है। अपने प्राचीन सफेद अग्रभाग और हरे रंग की सजावट के साथ यह मस्जिद भी सभी मुसलमानों के लिए एक बहुत ही पूजनीय स्थल है। ईद उल फितर एक राष्ट्रीय अवकाश है और इसे भव्य परोपकारी समारोहों के साथ मनाया जाता है। मॉरिशस में अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए तो मॉरिशस की लगभग 1% आबादी बौद्ध धर्म का पालन करती है। यह धर्म मुख्य रूप से चीनी मूल के लोगों द्वारा लाया गया था, जो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में मॉरिशस में प्रवास कर रहे थे। एक धार्मिक धर्म होने के नाते बौद्ध धर्म अपने सिद्धांतों को भारत के गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्राप्त करता है। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख स्कूल हैं, थेरवाद और महायान। सभी बौद्ध परंपराओं का उद्देश्य दुखों पर विजय प्राप्त करना और निर्वाण प्राप्त करने के जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना होता है। धर्मनिष्ठ बौद्ध धर्म मध्य मार्ग का पालन करते हैं, एक ऐसी जीवन शैली जिसमें न तो तीव्र तपस्या होती है और न ही अत्यधिक विलासिता। दोस्तों, इन सभी तथ्यों को जानने के बाद एक बात क्लियर है कि यहाँ पर सनातन धर्म की धूम है। जी हाँ, यहाँ की 80% आबादी सनातन धर्म को फॉलो करती है। जी हाँ, वो सभी हिंदू है, या यूं कहें कि मॉरिशस के अंदर एक छोटा सा भारत बसता है। वहाँ के लोग जब भोजपुरी बोलते हैं तो हमें बिहार नजर आता है। वहाँ के लोग जब तेलुगु बोलते हैं तो वहाँ का तेलंगाना हमें नजर आता है। वहाँ के लोग तमिल बोलते हैं तो तमिलनाडु नजर आता है। वहाँ के लोग हिंदी बोलते हैं तो हमारी दिल्ली नजर आती है। वहाँ के लोग पंजाबी बोलते हैं तो हमें पंजाब नजर आता है। इसी तरीके से बहुत सारे राज्यों के लोग वहाँ निवास करते हैं, स्पेशली गुजरात से और महाराष्ट्र से भी। जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वहाँ सनातन की धूम है और वहाँ एक छोटा भारत बसता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।